साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। वे लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उनके फोन को हैक कर रहे हैं और उनके बैंक खातों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। नालंदा जिले में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पावापुरी के अमित भारती और नूरस राय के मनोज कुमार, जो पंजाब नेशनल बैंक के CSP संचालक हैं, उनसे भी इसी तरह 125,000 रुपए की ठगी की गई है। साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप को अपडेट कर लें। इसके साथ एक फाइल भी भेजी जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को इंस्टॉल करता है, उसका पूरा फोन हैकर के कंट्रोल में आ जाता है। साइबर DSP ज्योति शंकर ने बताया कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद बिना परमिशन के ही SMS फॉरवर्डिंग ऑन हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले व्हाट्सएप को कंट्रोल में लिया जाता है, फिर OTP के माध्यम से बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड या लिंक पर क्लिक नहीं करें। एक ग्रुप है नालंदा जिला का, उसमें एक मैसेज आया था APK करके। मैंने उसको जब इंस्टॉल किया तो उसके बाद वो हमारा पूरा व्हाट्सएप, फेसबुक सब हैक कर लिया और हमारे व्हाट्सएप से सारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे सारे पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है और हमारा बस वही इशू है। और हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक सब हैक, पूरे तरीका से हैक किए हुए, फ़ोनपे, गूगल पे सब हैक किए हुए। तब यहाँ आए साइबर क्राइम में तो सर बोले कि अपना सिम निकाल लीजिए और ऑनलाइन के FIR करके। यहाँ कितने रुपए का अभी तक फ्रॉड हुआ है? हमारे पास रुपये का फ्रॉड नहीं हुआ है अभी। आप लोग को सूचना थाना में हाँ लोग आए हुए हैं, क्या पता चला? पता चला है कि हमारे पहले से ये क्राइम चल रहा, 5-6 साल तो घटना घट चुकी है हमारे पहले से भी, हमारे साथ भी घटना घटा है। विगत दो तीन दिनों से कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें जो भी साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स होते हैं उनको व्हाट्सएप हैक हुआ रहता है और साथ में उनके नंबर से ऑटोमेटिकली SMS फॉरवर्डिंग होती रहती है। तो कोई भी मैसेज अगर SMS आता है तो वो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली किसी और नंबर पे हो रहा होता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में 2 दिन पहले आया जिसमें नालंदा साइबर थाना कांड संख्या 3124 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान में है। अनुसंधान के अंतर्गत हम लोगों को पता चला कि वो पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉई हैं और उनके ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें PNB के नाम से, PNB एक्टिवेटेड के नाम से एक एप्लीकेशन आया हुआ था। उस एप्लीकेशन को जब मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखा तो उसमें पता चला ऑटोमेटिक SMS फॉरवर्डिंग का कोड लिखा हुआ है जो हार्ड कोडेड है। तो उसमें किसी भी यूज़र को अगर वो ऐप, पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो उस एप्लीकेशन से बिना परमिशन के, बिना अनुमति के ऑटोमेटिकली SMS फॉरवर्डिंग ऑन हो जाता है। तो इसमें मोडस ऑपरेंडी ये है कि सबसे पहले वो व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं, व्हाट्सएप को पोर्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन OTP लिया जाता है वो ऑटोमेटिकली किसी नंबर फॉरवर्ड होता है। उसके बाद व्हाट्सएप हैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के बाद उनके पास ओरिजिनल मोबाइल नंबर होता है और दुर्भाग्यवश अगर वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उस केस में वो फिर प्रयास करते हैं पैसे ठगी के, उससे पैसे निकालने का। तो हमारे पास जो केस है उसमें लगभग 125,000 रुपए की ठगी हुई है इस माध्यम से। और इससे बचाव का सबसे पहला उपाय है कि कोई भी ग्रुप में, ये बेसिकली ये पर्टिकुलर गैंग जो है ये टारगेट कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स को, और APK फाइल का नाम वो कुछ इस तरह से रखते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड हो। जैसे हमारे यहाँ जो कांड दर्ज हुआ उसमें PNB के नाम से है, CSP ग्रुप को अगर अटैक कर रहे हैं तो उसका नाम CSP रिलेटेड कुछ रखा हुआ है उन्होंने। डांस क्लासेस में अटैक किया है तो डांस क्लास के नाम से उसको रखा हुआ है, तो वो रीनेम करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बचाव का एक तरीका ये है सबसे सिंपल कि किसी भी एप्लीकेशन पे जो ऐप स्टोर पे है उसको ट्रस्ट किया जाता है। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि किस आधार पे उसको ट्रस्ट करते हैं, उसकी रेटिंग्स देखते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशंस .apk फाइल, जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं, वो अगर किसी व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कहीं फॉरवर्ड की जा रही हैं तो उसको ना खोलें। अगर गलती से वो खुल जाता है, आपने इंस्टॉल कर लिया, तो सबसे पहला हैक होता है व्हाट्सएप। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालें इमिडिएटली। दूसरा काम करना है कि उस सिम को निकाल लें वहाँ से, जो सिम, क्योंकि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उस सिम को निकालें तो आपका हैंडसेट फिर सेफ हो जाता है क्योंकि वो अब नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। उस सिम को किसी और
फ़ोन में डालकर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को रीइंस्टेट करने की कोशिश करें। और वो अभी तक जो मैंने फॉलो किया है, जिससे मैंने रिकवर कराया है किसी भी मोबाइल फ़ोन को, तो उसमें हम लोगों को, क्योंकि वो हार्ड कोडेड SMS फॉरवर्डिंग है, तो उसको हम लोगों को रीसेट करना पड़ रहा है फ़ोन को, तो सारा डेटा निकाल करके फाइनली उसको रीसेट किया जा रहा है। अभी तक फ़िलहाल यही अनुसंधान आगे जारी है और पॉसिबली हम लोग कुछ दिनों में इसको, इस गैंग को बस्ट कर लेंगे।